नमस्कार दोस्तों, जीटी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो करंटली दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके उबंटू सिस्टम में अगर आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर काम नहीं कर रहा हो। फिलहाल अभी तो मेरे स्क्रीन में माउस काम कर रहा है। अगर आपकी इसमें माउस मूव कर्सर मूव नहीं हो रहा है, अगर उबंटू में एक ही जगह पर अगर माउस स्टक होके रुक रुक गया है, तो आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है जिससे आपका माउस फिर से चलने चलने लगे और आपका वर्क वर्क प्रॉपरली होने लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए दोस्तों, अगर आपका माउस मूव नहीं हो रहा है, अगर एक ही जगह पे स्टक है, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट और टी। कंट्रोल अल्ट और टी दबाने के बाद आपका टर्मिनल इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा। और आपको आपके टर्मिनल में ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको कमांड दिखाई दे रही है, जो है sudo nano space slash etc slash default slash grub टाइप करना है और एंटर की हिट करनी है। और आपको पासवर्ड डालना है, आपके लैपटॉप में जो है, जैसे यहाँ मैं अपना अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। और एंटर हिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस या लेआउट दिखेगा। उनमें से आप इस जो अब हमारा सेकेंड लास्ट लाइन है ग्रब, जिसमें मैं अभी माउंस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसे देखिए ग्रब CMD लाइन लिनक्स अंडरस्कोर डिफॉल्ट। ये आपको इसमें आपको एक सेटिंग करनी होगी। यहाँ जो मैंने लिखा है i8042.reset, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा होगा तो यहाँ सिर्फ क्वाइट स्लैश सेंटेंस लिखा होगा, उसको आपको सिर्फ उसमें क्या ऐड करना है। जब आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहाँ से क्या लिखा होगा, क्वाइट स्प्लैश। और जब आप क्वाइट स्प्लैश लिखा होगा, तो उसमें आपको एक ऐड करना है i8042.reset। ये आपको स्ट्रिंग ऐड कर देने, मैंने यहाँ ऑलरेडी ऐड की है इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगा। तो इसमें i8042.reset नाम की आपको एक स्ट्रिंग ऐड कर देनी है। और उसे ऐड करने के बाद आपको कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, जिससे आपका ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक यस का ऑप्शन आएगा, उसे वाई क्लिक करना है और एंटर हिट करना है, जिससे आपकी सेटिंग सेट हो जाएगी। और आपको यहाँ रिबूट ऑप्शन देना है। रिबूट ऑप्शन होने के बाद आपका पीसी रिबूट होगा और आपका जो माउस है वो कर्सर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सेटिंग रिसेट हो जाएगी। और ये ट्रिक दोस्तों 100% वर्किंग है और मैंने इसे खुद ट्राई किया है। सो आप इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका माउस इस्तेमाल होना 100% शुरू हो जाएगा। सो ये था दोस्तों माउस सेटिंग के बारे में। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में हम और भी ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।